हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए यह मैथ यानी गणित के 7 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोणों का अनुपात दिया है 4:3, उसके बाद 5 है तो कोण का कोण ज्ञात कीजिए, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए यहाँ पर जैसे एक संख्या इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, यानी कोमा लगाकर यानी अंक दिया है और कह रहा है कि आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए, यानी आपको बताना है कि इसका परिसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 7 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। और ये पार्ट नंबर दोस्तों यानी मैथ यानी गणित का जो है हम लोगों का 6 है। जिसने पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाके प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पर सारे पार्ट आपको सीरियली ढंग से मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीआर, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं पहले। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर लिखा यानी त्रिभुज ए बी सी के कोण का अनुपात दिया है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। यानी सीधा सा सवाल देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यानी ऐसे कर देंगे अनुपात ए, अनुपात क्या लिख देंगे बी, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी लिखा है तो उसी का अनुपात दिया होगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा 4, उसके बाद ये हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो यही अनुपात के बराबर कितना कर देंगे, तो देखिए 4 × 3 = 7, 5 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 के बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 180 हो जाएगा। क्यों होगा 180, क्योंकि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होगा। कोई भी त्रिभुज, या तो आप सम यहाँ पर क्या कर सकते हैं समकोण त्रिभुज लीजिए, या आप समबाहु त्रिभुज लीजिए, विषमबाहु त्रिभुज लीजिए, आप कोई सा भी त्रिभुज ले लीजिएगा तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो बस यहाँ पर वही काम करेंगे, देखिए अनुपात एक ही कट जाएगा तो 12 से एक के बार में कट जाएगा, तो 12 × 12 इधर 6 0, तो 12 × 5 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 15 बार में कट गया। तो वही कह रहा है कौन का मान निकालिए, तो देखिए पहला कौन यानी ए में क्या कर देंगे दोस्तों 15 से गुना कर देंगे, उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों 15 से गुना कर देंगे, उसी प्रकार से इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों 15 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो हो जाएगा 15 × 60, इधर हो जाएगा 15 × 3 क्या हो जाएगा 45, और एक हो जाएगा 15 × 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 75। तो देखिए 60 आना चाहिए, फिर 45 आना चाहिए, 75 आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कहा जा रहा है कि यदि 2 पूरक कोण यानी 11:7 के अनुपात है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए बताते हैं। देखिए याद रखिएगा कि यहाँ पर 2 पूरक कोण है यानी एक, उसके बाद एक ले लेते हैं दूसरा पूरक कोण, 2 पूरक कोण है तो 2 पूरक कोण ले लिए, इसी को लिखा है कि 11:7 में क्या है 7 में है, तो ठीक है। तो ये इसके बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 11:7 = 18 के बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। याद रखना होगा कि पूरक कोण अगर रहेगा, इस प्रकार से लिख देते हैं दोस्तों कि पूरक कोण जो होता है यानी हम लोगों का पूरक कोण का मान क्या होता है तो 90 डिग्री होता है। ये बात याद रखना होगा, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसी प्रकार से 2 यानी कि या कोई सा भी पूरक रहे, खाली लिखा रहेगा पूरक कोण का मान 90 डिग्री, सम पूरक रहेगा तो वहाँ पर होता है क्या दोस्तों 180 डिग्री। तो पूरक कोण का मान याद रखिएगा 90 डिग्री होता है, ठीक है सर ये बात समझे। तो यहाँ पर कटा लीजिए वही काम उसी तरीके से 18 × 18, 18 × 5 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो उसने पूछा है कि छोटा कौन, तो छोटा कौन है 7 है, तो 7 में गुना क्या कर देंगे दोस्तों 5 से गुना कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद कर दें आप समझ गए होंगे, बस बेसिक बात को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि संपूरक कौन लिखा रहेगा तो उसका मान होता है 90 डिग्री, तो बस यही बात आपको याद रखना है।
देखिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, कहा जा रहा है कि आंकड़ों का क्या दोस्तों परिसर ज्ञात कीजिए, यानी इसका आपको बताना है परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर हम लोगों का क्या होता है लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों ताकि समझ में आ जाए परिसर। तो परिसर जो होता है ना हम लोगों का याद रखिएगा दोस्तों उच्चतम, यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों क्या हो जाएगा उच्चतम संख्या, संख्या लिख देते हैं उच्चतम संख्या, माइनस क्या होता है दोस्तों निम्नतम, यहाँ पर लिख देते हैं क्या हो जाएगा दोस्तों निम्नतम संख्या, यानी कि यहाँ पर उच्चतम संख्या माइनस क्या होता है दोस्तों निम्नतम संख्या। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि देखिए परिसर बराबर यही सूत्र होता है, यानी उच्चतम संख्या माइनस क्या होता है दोस्तों निम्नतम संख्या। तो ठीक है सर, अब बैठा दीजिए उच्चतम संख्या क्या है, सबसे बड़ा अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 9 है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, माइनस निम्नतम क्या है इसमें 3 है, तो 3 है, तो इसको जैसे ही घटा दीजिएगा तो 9 में 3 जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बस परिसर बराबर सूत्र याद रखना होगा कि उच्चतम संख्या माइनस क्या होता है दोस्तों निम्नतम संख्या होता है। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा आंसर निकलेगा, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। सबसे बड़ा संख्या इसमें गौर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे बड़ा संख्या जैसे हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और सबसे छोटा संख्या इसमें 3 है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखिए एक बार ट्राई करके करा कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगा। तो चलिए अब निकालिए ताश का पत्ती से क्या निकाल देना है, फेस कार्ड निकालना है। तो देखिए पहले बेसिक बात बता देते हैं दोस्तों ताकि समझ में आ जाए कि कार्ड यानी कि कुल कार्ड अगर आपसे पूछा जाए कि कुल हम लोगों का जो ताश का पत्ती होता है दोस्तों कुल, यहाँ पर लिख देते हैं कुल ताश का पत्ती, तो कुल ताश का क्या लिखेंगे दोस्तों पत्ती। तो ठीक है यहाँ पर कुल ताश का जो पत्ती होता है हम लोगों के सामने टोटल क्या होता है, यानी कार्ड जिसको बोलते हैं तो क्या होता है दोस्तों 52 होता है। ठीक है तो उसी प्रकार से आपसे पूछा जा रहा है कुल ताश का पत्ती 52 होता है, तो फेस कार्ड, तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि फेस कार्ड की संख्या कितना होता है, याद रखना होगा वरना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। फेस यहाँ पर लिख देते हैं कार्ड की संख्या, फेस कार्ड की क्या दोस्तों संख्या, तो फेस कार्ड का जो संख्या होता है हम लोगों के सामने ताश की पत्ती में कितना होता है दोस्तों 12 होता है। ये बात याद रखना होगा जो हम लोगों का ताश जो खेलते हैं ना उसमें टोटल 52 पत्ता होता है, तो फेस कार्ड की संख्या क्या होता है उसमें 12 होता है। तो वही कहा जा रहा है कि फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगा, तो इसका सूत्र प्रायिकता बराबर आप जानते हैं कि जो है यानी कि जो आ रहा है यानी कि 12 आ रहा है और टोटल क्या होता है दोस्तों नीचे होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। तो इसी को कटा दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 और 3 से कटाएंगे तो 3 × 3 और हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कटा लीजिए ना, 3 से कटाए तो 3 × 3 और हाँ कितना हो जाएगा 3 × 3, तो इधर हो जाएगा 2 और 2, तो 2 तो नहीं कटेगा, इसको किससे कटाना होगा 4 से, अच्छा 4 से कटा लीजिए, हटाइए 4 से ही कटा देते हैं, हाँ 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 4 × 4 = 4, हाँ 3/3 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, रटना नहीं है। देखिए ताश का टोटल पत्ती जो होता है 12 ही, हम लोगों का कुल यानी ताश में जो कुल पत्ता होता है 52 होता है, तो फेस कार्ड पूछा जा रहा है तो फेस कार्ड की संख्या 12 होता है, तो यही प्रायिकता आ रहा है यानी कि संभावना हम लोगों का 12 है और टोटल नीचे लिखा जाता है, तो इसको कटा दीजिएगा 3/3 क्या हो जाएगा दोस्तों 13 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए कौन कौन स्टूडेंट ये वाला प्रश्न सही कर पाया और कौन कौन गलती करेगा। करा कि निम्नांकित चित्र में यहाँ पर दिया दोस्तों इसके समानांतर देखिए इस प्रकार से दिया गया, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या पूछा है कि ये जो एक्स दिया है दोस्तों यहाँ पर इसका मान इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, तो चलिए हम बताते हैं। ये देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों एकांतर कोण, क्या लगा देंगे हम लोग एकांतर कोण से, एकांतर कोण यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये अगर यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा तो ये कितना बनेगा दोस्तों 180 डिग्री बनता है। किसी पे भी इस तरीके से रहता है तो कितना डिग्री का बनाता है 180 डिग्री का बनाता है, ये क्या है हम लोगों का बेसिक बात है। तो ठीक है सर, तो यहाँ पर एकांतर कोण का मतलब क्या हो जाएगा, इसका एकांतर कोण इधर से चलेगा यानी कि यहाँ पर ये जब इसको लेंगे तो ये वाला इधर से आएगा तो ये वाला होगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों एकांतर कोण में जाएगा।
तो ठीक है सर, समझ गए कि एकांतर कौन, यानी कि ये वाला होगा, ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने, एकांतर कौन में आएगा ये वाला। तो यहाँ पर जैसे लेंगे तो देखिए इसका बनने का क्या तरीका है, यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो हम लोगों का 180 डिग्री बनता है, ये कितना बनाता है दोस्तों 180 डिग्री बनाता है, तो वही हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो बनेगा 180 डिग्री लिख देंगे, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों एक्स कर देंगे, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 104 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कौन से, देखिए ना आपका आंसर निकल जाएगा, बस यही करना है, क्यों क्यों लिए, क्योंकि ये जो बनाएंगे तो 180 डिग्री बनते, 180 यहाँ पर ई एक्स दिया है तो उसको घटाना होगा, तो 180 माइनस एक्स और एकांतर कौन से उधर क्या हो जाएगा 104 डिग्री क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसको घटा लीजिए तो इधर हो जाएगा 180 और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 104 और बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने एक्स हो जाएगा, तो घटा लेते हैं 10 में 4 जाएगा 6 और अच्छा अच्छा 10 में 4 हम लोगों का घटा कैसे रहे हैं, तो यहाँ पर गलती आपने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 180 होगा, तो आप गलती कैसे कर रहे हैं 180 और माइनस क्या करना है दोस्तों 104 करना है, अब बराबर इधर एक्स लिखना है ना, तो 10 में 4 जाएगा तो यहाँ पर 6 और इधर बचा हम लोगों का 7 क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स का मान क्या निकल जाएगा 76 डिग्री आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही होगा। बहुत सारा स्टैंड किसी का यहाँ पर ए आ गया तो बी आ गया तो डी आ गया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, बहुत कम स्टूडेंट का आया 76 डिग्री, आज जो जो आया तो खुश रहिए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही होगा। एकांतर कौन से, देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, करें एक सम चतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई क्या है दोस्तों 26 सेंटीमीटर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई क्या है 48 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, आपसे क्या पूछा है कि दूसरा विकर्ण का लंबाई, तो चलिए निकाल देते हैं। देखिए क्या दिया है हम लोगों के सामने, सम चतुर्भुज दिया है, तो इस जगह पर बना देते हैं दोस्तों, एकदम सुविधा होगा और आराम से आप कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ये क्या होता है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या होता है सम चतुर्भुज होता है, तो सम चतुर्भुज उसने क्या लिखा है, यानी कि सम चतुर्भुज तो सभी भुजा क्या होगा बराबर, सम चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि सभी भुजा बराबर, तो एक भुजा की लंबाई क्या लिखा है 26 सेंटीमीटर है, तो 26 सेंटीमीटर ये भी 26 होगा, ये भी 26 होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों 26 होगा और ये भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 26 होगा, यानी यहाँ भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है सर, उसमें एक विकर्ण डाला है, तो इस प्रकार से आप क्या कर देंगे दोस्तों विकर्ण डाल देंगे। ठीक है, तो विकर्ण क्या करता है कि दो बराबर भागों में बांटता है, इस जगह पर क्या होता है दोस्तों दो बराबर भागों में विकर्ण जो डालेंगे ना, तो उसने कहा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई, तो दूसरा विकर्ण यानी यहां से डालेंगे एक विकर्ण, इसका पूछा जा रहा है, तो पहला विकर्ण कोई सा भी दिया होगा तो कह रहा है कि एक विकर्ण की लंबाई 48 है, तो 48 यानी कहने का मतलब इसको मान लेते हैं ये हो जाएगा 24 और इधर भी ये क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा विकर्ण निकल जाएगा। अब एक तरीके से यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, तो हम लोगों का समकोण त्रिभुज बनता है, यहाँ पर अगर सम चतुर्भुज में जब दो विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यानी यहाँ पर जैसे ही प्रतिच्छेद किया ना इस जगह पर, तो एक त्रिभुज बनेगा और क्या बनता है दोस्तों समकोण त्रिभुज बनता है, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाता है दोस्तों एक समकोण त्रिभुज बनता है, ये क्या हो जाएगा हम लोगों का समकोण त्रिभुज हो जाएगा, तो जिसमें से कर्ण जो है ये है हम लोगों का 26 हो जाएगा, और हम लोगों के सामने किसी को भी मान सकते हैं, या तो आधार ले लीजिए या तो आप क्या ले सकते हैं दोस्तों लंब ले सकते हैं, तो इधर लिख देते हैं 24, इसी को ले लेते हैं ना, कहीं भी 24 को आप यहाँ भी लिख दीजिएगा ना और वहाँ नहीं लिखेगा तो भी बन जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आधार को निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं दोस्तों आधार को निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं ये बात आपको बताए कि अब सूत्र आप एक जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, बचपन में पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है सर हम लोगों के सामने लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या होता है दोस्तों आधार का स्क्वायर, छोटा छोटा लिखेंगे और बेसिक बात से ही आपको समझाएंगे। तो कर्ण यहाँ पर तो दिया गया है, कर्ण हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 26 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा छोटा ही लिखिए ना, उतना बड़ा लिखने की आवश्यकता है आपको, तो 26 का स्क्वायर बराबर का बराबर, यहाँ पर लंब दिया है यानी कि ये क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का स्क्वायर, और इधर आधार निकालना है तो आधार को क्या कर दीजिए दोस्तों स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए, तो 26 का स्क्वायर होता है 600 कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 76 हो जाएगा, अब बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 500 हम लोगों का 76 होता है, तो ठीक है, अब प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर का क्या लिखेंगे आधार स्क्वायर लिख देंगे, अब इधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस यानी कि 600
इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, देखिए कितना छोटा लिखा जा रहा है, तो लिखिएगा बड़ा ही भी लिखाएगा 676, घबराना नहीं है 676, अब माइनस क्या हो जाएगा 500 क्या हो जाएगा दोस्तों 76 हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा आधार का हम लोगों का क्या लग जाएगा इस स्क्वायर का स्क्वायर, तो देखिए घटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 100 और इधर सिर्फ अब क्या लिखेंगे आधार लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आधार लिख देंगे, इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों आधार, तो अब ये आधार का जो है ना रूट चढ़ जाएगा, तो रूट 100 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। ये बात आपको याद रखना होगा कि हाँ सर अगर हम लोगों का स्क्वायर हटता है तो क्या होता है रूट चढ़ता है, तो रूट चढ़ गया तो रूट 100 का मान क्या निकलता है 10 निकलता है, तो चलिए अब निकल गया यानी कि इसका मान निकल गया, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा हम लोगों का, यानी एक टू का 10 निकला तो ये भी क्या निकल जाएगा 10 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों 10 हो जाएगा, तो वही कह रहा है दूसरे भी करने की लंबाई क्या 10 क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप फॉर्मूला को यहाँ पर लगाइए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, उसी से तो हुआ है पूरा प्रश्न क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया। तो दूसरा विकर्ण की लंबाई तो हम लोगों का यानी कि दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कॉमेंट कर सकते हैं, और ये भी बात बता देते हैं कि अगर ये 24 जैसे आप कहेंगे कि हम यहाँ नहीं लिख के यहाँ पर लिखें तो यहाँ भी लिखिए, इसमें क्या दिक्कत, तो भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है आप आधार के जगह भी लिखिएगा तो भी बन जाएगा या लंब के जगह लिखिएगा, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है, क्या है दोस्तों कर्ण फिक्स है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए दोस्तों, क्या पता आपसे बन जाए तो अच्छी बात होगा। देखिए यहां पर कह रहा है कि क्यू से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो चलिए बना लेते हैं, यानी कि यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों क्यू कर देते हैं, ये हो गया क्यू। तो कह रहा है कि क्यू से एक वृत्त पर खींची गई क्या है दोस्तों स्पर्श रेखा है। अच्छा अच्छा, तो इस जगह पर मान के चलिए कि एक वृत्त बना लेते हैं और यहाँ से एक क्या कर रहा है दोस्तों एक स्पर्श रेखा है क्यू से, उसके बाद उसने कहा कि जो स्पर्श रेखा 21 सेंटीमीटर है तो इसको लिख दिए 21 सेंटीमीटर, और वृत्त के केंद्र से यानी ओ, तो यहाँ पर वृत्त का एक केंद्र होगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों मान लेते हैं ये ओ है, ठीक है ओ, तो ओ के ओ से क्यू के बीच की दूरी क्या है दोस्तों, यानी कि उसने क्या क्या है इसका भी दूरी दिया है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों इसका दूरी हो जाएगा, रुक जाइए इस तरीके से करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों दिक्कत होगा, नहीं समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको क्या बना लेना है दोस्तों एक वृत्त बना लेना है, छोटा सा आपको क्या बना लेना है एक वृत्त बना लेना है, ठीक है सर हमने एक वृत्त इस प्रकार से बना लिया, ठीक है और इसमें एक क्या बना लिया दोस्तों हाँ वृत्त, और यहाँ से क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा दोस्तों इस पे स्पर्श कर रहा है, ये क्या हो रहा है स्पर्श कर रहा है एक, यहाँ से हम लोगों का ऐसा होगा और ये वाला फिर यहाँ से उसने क्या किया दोस्तों इस प्रकार से इस पे ले जाकर कर दिया है, हाँ समझ गए सर, तो उसने क्या कहा कि ये 21 सेंटीमीटर है, देखिए ना 21 सेंटीमीटर है और फिर लिखा है इसको क्या दिया है ये है 29 सेंटीमीटर, उसने ये भी बोला है कि वृत्त की त्रिज्या इस लाइन पे ज्ञात कीजिए ना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ठीक है कर देते हैं, यानी Q से किसी वृत्त पर खींचा गया है और केंद्र O है यानी ये O है, और तो निकालना हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा त्रिज्या निकालना है, तो ठीक है क्यू उसके बाद ओ तो ठीक है अब निकाल दीजिए, देखिए यहाँ भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ज़्यादा कहानी कथा रचने से कोई फायदा नहीं है, बस फार्मूला लगा दीजिए, क्यों क्योंकि यहाँ पर भी वही होगा कि फार्मूला हम लोगों के सामने अभी आपको बताएं कि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों लंब का स्क्वायर, वही फार्मूला देखिए खाली टाइप क्वेश्चन अलग, लंब स्क्वायर और जोड़ क्या हो जाएगा दोस्तों आधार का क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने स्क्वायर हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं कर्ण क्या है, तो कर्ण तो हम लोगों के सामने दिया गया है, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 29 का स्क्वायर बराबर लंब हम लोगों के सामने, तो लंब तो दिया गया है 21 का स्क्वायर, ठीक है सर 21 का स्क्वायर अब प्लस का प्लस आधार तो हम लोगों के सामने निकालना है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा दोस्तों आधार का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 29 का स्क्वायर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 800 कितना हो जाएगा दोस्तों 41 हो जाएगा, 29 का स्क्वायर 841 हो जाएगा, बराबर का बराबर 21 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 441 होता है, प्लस का प्लस इधर क्या हो जाएगा दोस्तों आधार स्क्वायर, देखिए ना उसी टाइप का क्वेश्चन था, खाली थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया अलग टाइप में कर दिया ताकि क्या हो स्टूडेंट फंस जाए और नहीं कर पाए, तो यहाँ पर वही काम करेंगे 841 अब माइनस का माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 441 हो जाएगा, अब बराबर का बराबर इधर क्या हो जाएगा दोस्तों आधार का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है
तो घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो एक एक क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो, इधर भी हम लोगों का जीरो, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, चार हो जाएगा। तो अभी आपको बताए थे इधर सिर्फ अब क्या लिखेंगे, आधार लिखेंगे और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो 400 का मान क्या निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमने बिल्कुल बेसिक तरीका और अच्छे से समझाया, जो सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका है उसी तरीके से बताया। त्रिज्या निकालना था, ये होता है त्रिज्या, आप जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ये होता है, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 मीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटे के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है।